नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 19 दिसंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2076, मास चल रहा है पौष का, तिथि कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि है, गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, योग है आयुष्मान और करण है बालव। और व्रत पर्व और त्यौहार की अगर बात करते हैं तो आज कालाष्टमी की तिथि मनाई जा रही है। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए रोग व कर्ज की स्थिति बनी रह सकती है। बहुत दिनों से आप काम लगातार करते हुए थक गए हैं, आज आपको अपने लिए स्वास्थ्य लाभ के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मानसिक तनाव और दबाव अधिक लेने से आपको आज बचना होगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए मानसिक तनाव के कारण आज आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आज धन के खर्च की स्थिति बहुत विकट दिखाई देती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने धन के संचय पर, सेविंग्स पर, पैसे को बचा करके चलने पर ध्यान देना होगा, खर्चों में कटौती करनी होगी। ओम विश्व मूर्तये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, यात्रा करने से आप बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए इस समय वाहन के प्रयोग में आपको सावधानी रखनी चाहिए, दुर्घटना की स्थिति दिखाई देती है। ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और परिजनों से वाद विवाद से आप बचें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, आज आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। ओम श्री पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, भागदौड़ अधिक करने से आप बचें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपने पिछले दिनों जहां कहीं भी पैसा लगाया था, आज आपको अच्छे रिटर्न के साथ आपका पैसा वापस मिल सकता है। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें और लंबी दूरी की यात्रा करने से आप बचें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपको आपके लक्ष्य की आज प्राप्ति हो सकती है। आज के काम को कल पर छोड़ने की आदत को आपको टालना चाहिए, यानी जो आपकी आलस की आदत है, काम टालने की जो प्रवृत्ति है, उसको आपको बचाना होगा। ओम अकल्मषाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, तनाव लेने से आप बचें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यावसायिक सफलता मिलने की संभावना दिखती है। अगर आप किसी से डर के पीछे हट रहे हैं तो लोग आपको दबाना और डराना शुरू कर देंगे, तो अगर आप अपनी जगह पर सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। ओम अग्नि गर्भाच्छिदे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आप बचें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक कलह अभी बनी रहने वाली है। कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई देता है। ओम अग्रगण्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी का दिल आप न दुखाएं। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन में सुधारपूर्ण बदलाव होने की संभावना दिखती है। प्रयासरत रहने से आपको लाभ मिलेगा। ओम अजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, ब्राह्मण का अनादर अपमान करने से बचें। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जटिल कामों से छुटकारा मिलेगा। आज आपको काफ़ी ऐसे अनुभव मिल सकते हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे। ओम अद्भुत मूर्तिमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी के गलत काम में आप उसका सहयोग बिल्कुल न करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए सुख समृद्धि के नए रास्ते खुलेंगे। अपने काम को करने के जो आपका तरीका है, उस तरीके में थोड़ा सा बदलाव की आपके लिए आवश्यकता दिखाई देती है। ओम अध्यक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, कुछ समय के लिए अपने मित्रों से आपको दूरी बनानी चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए घर में धन और प्रशासन से जुड़े हुए क्षेत्रों में भाग्योदय होगा, परिश्रम से किए गए कार्य आपको सफलता दिलाएंगे। ओम अनेकाचिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और दूसरों के वाद विवाद से आप बचें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा चंदन के 5 महाशक्तिशाली टोटके जो समाप्त करते हैं, यानी खत्म करते हैं आपके जीवन का हर संकट, हर बाधा। आइए जानते हैं क्या है वो टोटके। पूजा सामग्री में या फिर माथे पर केवल तिलक लगाने के लिए अगर इस्तेमाल होने वाला चंदन जीवन में खुशियां भी ला सकता है। ऐसा शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज मैं आपको चंदन के उपयोग से, चंदन का प्रयोग करके कुछ ऐसे शास्त्रीय टोटके बताने जा रहा हूं, जिन्हें यदि सही तरीके से, नियम के अनुसार आपने किया तो आपको चमत्कारी परिणाम मिलेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत भी ये टोटके जगा सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय।
शास्त्रों में हर वस्तु का महत्व समझा गया है, उसका महत्व बताया गया है और उसके कुछ चमत्कारी प्रयोग भी हमारे यहाँ बताए गए हैं। चंदन हमेशा ही एक पवित्र पदार्थ माना गया है और उसके कई प्रकार के शास्त्रीय टोटके प्रयोग में लिए जाते हैं। आज मैं आपको ऐसे ही टोटके बताने जा रहा हूँ जो पूर्ण रूप से सकारात्मक हैं और इनका कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ने वाला। ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन की हर समस्या को सुलझाने में ये टोटके सक्षम होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए चंदन का चूरा, अश्वगंध और गोखरू चूर्ण को कपूर में मिलाकर के 40 दिन तक लगातार इससे हवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की जो भी बुरी ऊर्जा होगी, जो भी जादू टोना नजर दोष ऊपरी बाधा, कोई तंत्र मंत्र किसी ने किया हो, कोई किया कराया हो, वो सब कुछ दूर हो जाता है। अगर ऐसा कर पाना संभव ना हो तो चंदन का वृक्ष आप अपने घर में किसी गमले वगैरह में लगा सकते हैं। ये वृक्ष घर की सीमा में लगा होने से वास्तु दोष मिटता है और परिवार में किसी भी तरीके का रोग जो बार बार आता है वो फिर नहीं आता। ऐसा माना जाता है कि चंदन का पेड़ घर के पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगाना बहुत ही शुभ होता है। संभव हो तो इस दिशा में चंदन का वृक्ष आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत खुली जगह नहीं है तो गमले में लगा देंगे तो वो एक सीमा के बाद फिर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बड़े वृक्ष से समस्या होती है, गमले में आप चंदन का पौधा भी लगा करके घर में रख सकते हैं। जिस व्यक्ति या बच्चे को नजर दोष की समस्या हो उसे चंदन की छाल का धुआं देने से नजर दोष दूर हो जाता है। इसके अलावा नित्य चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है और आज्ञा चक्र सक्रिय होकर के जीवन में शुभ फल की प्राप्ति आपको अवश्य होती है। ऐसे बहुत सारे शादीशुदा जोड़े होते हैं जो अपनी शादी की निजी जरूरतें यानी संभोग संबंधी दिक्कतों से परेशान होते हैं। इसमें भी चंदन का एक उपाय बहुत कारगर होता है। इसके अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में चंदन की जड़ को निकाल करके उसे गंगा जल से आप शुद्ध करके फिटकरी के छोटे टुकड़े के साथ कमर में अगर बांधें तो इससे संभोग क्रिया में स्खलन का समय बढ़ जाता है। इससे जो है आप बहुत जल्दी इजैकुलेट नहीं करते हैं। तो ये प्रयोग आप कर सकते हैं। जिनको संतान संबंधी बाधा रहती हो या जिसको वीर्य की कमी रहती हो वो ये उपाय करके इसका लाभ ले सकता है। यदि आपके घर में आए दिन समस्याएं दस्तक देती रहती हैं तो गुरु पुष्य नक्षत्र में आप जो है चंदन के पेड़ की जड़ पर पीले चावल जल चढ़ा करके धूप दिखा करके आमंत्रित करें। उसके दूसरे दिन उस पेड़ की थोड़ी सी लकड़ी ला करके एक लाल कपड़े में बांध करके मुख्य द्वार पर अगर आप टांगते हैं तो धीरे धीरे आपके घर में खुशियां वापस आ जाती हैं। तो ये बहुत ही माना हुआ उपाय और टोटका है, इसको आप करके फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये चमत्कारी उपाय प्रयोग जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होते हैं ये निश्चित ही आप लोगों को पसंद आते होंगे। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो उनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आप नए दर्शक हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमो नारायण। मित्रों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। मित्रों यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997024131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार नौकरी शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल चमत्कारी प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित
श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।